अपडेट पहले मैं आपको दे रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान आपने देखा होगा, मैंने बैटिंग भी की है, वो क्रैम्प आए थे नी पे ऊपर फील्डिंग के दौरान, बाहर बैटिंग की है उन्होंने, लेकिन हम उनका MRI करवाएंगे रात को। उनका MRI होगा तो मैंने कहा अपडेट आप सारों को दे दूँ। अब चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले शाहिद भाई आप कर लें, साथ आप कर लें, फिर थैंक यू। नवाज बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी विन रही। एक चीज़ समझ में सबकी ये आ रही है कि बाबर अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी टीम जीत रही है और मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरे लड़के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टीम बन रही है। जी बिल्कुल, देखें सिर्फ यही नहीं है कि हम बाबर, नो डाउट हमारा, हमारी टीम, हम बैक बोन है हमारी टीम की, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक बाकी भी जो जितने भी प्लेयर्स कह रहे हैं वो भी इक्वली इतने ही गुड हैं कि ऑन द स्पॉट जब टाइम आए तो वो भी परफॉर्म करें, और हमारा यही रहता है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए दूसरे प्लेयर्स के पास तो वो इसको ग्रैब करें। जिस तरह आप ऊपर आए बैटिंग की और बड़ी दिलेरी से आपने बैटिंग की, इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच है, तो किसने डिसीजन लिया, क्या समझे, बाबर आजम ने या मैनेजमेंट ने? बिल्कुल कैप्टन ने और मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा। मुझे तो यही बोला गया कि आप बैट करो, और आपने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है तो आपने, अगर लेफ्टी आउट होता तो आपने बैटिंग के लिए जाना है, और मेरा बिल्कुल क्लियर एक प्लान था और क्लियर माइंड था कि मैं जब बैटिंग करने के लिए गया हूँ तो 10 रन पर ओवर चाहिए थे उस वक्त, आई थिंक 10+, तो यही था कि जो भी एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे अपनी बेसिक्स पे रह के और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ एग्जीक्यूट करना है। पहले मैच में टेस्ट हुई भारत से और आज की जीत के बाद, वैसे तो कौम बहुत खुश है, शायकीन बहुत खुश है, कि जो आपका ड्रेसिंग रूम का आज का माहौल है जीत के बाद, उसमें कितना बूस्ट अप आया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहला मैच भी खेले हैं एज प्लेयर्स, हमारे लिए ये एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से नेक टू नेक मैचेस हुए हैं, बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं पहले भी, और एज ए यंगस्टर्स जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, ऐसे मैच खेलना और ऐसी प्रेशर सिचुएशन में अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना काफ़ी अच्छा है, और इसी तरह से जो है वो प्लेयर्स का जो करियर है और प्लेयर्स की अपना भी जो वो ग्रो करते हैं एज ए प्लेयर्स, और हमारा फोकस यही है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। ऑल थ्री लेडीज सवेरा रजिया मनेजर। नवाज सबसे पहले तो शॉर्ट बॉल्स पे क्या स्पेशली आप लोगों ने प्रिपेयर किया था, बिकॉज ऑब्वियसली पहले मैच में व्हाट हार्दिक पांड्या डिड वो हम सब ने देखा, और दूसरी बात ये कि क्या ये वाला कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि नवाज को कभी भी ऊपर भेज दिया जाए, बिकॉज डोमेस्टिक में तो वी हैव सीन यू परफॉर्म। जी बिल्कुल, बैक ऑफ द माइंड था, जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में प्लान किया हुआ था हमें शॉर्ट बॉल पे रखा था, तो इस मैच में भी यही था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि उस बॉल से उनको विकेट्स मिली हुई थी, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम मतलब ये हो सकता है, तो हमने अपनी प्रैक्टिसेस में भी उस चीज़ को अप्लाई किया, और सेकंड जो बिल्कुल इस तरह की हाई प्रेशर गेम में इस तरह की इनिंग खेलना मेरे लिए एक ये कि काफ़ी कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा और मुझे एज ए प्लेयर और ग्रो करने का मौका मिला है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब जब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगी और ज़्यादा भी, तो और ज़्यादा मेहनत करूं और एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म करूं पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, जब हमारे माइंड में ये था कि जिस तरह से गेम चल रहा था और जिस तरह से मेरी और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, तो ये था कि इसी को कंटिन्यू रखें, जितना हम डेथ में जा सकते हैं उसको लेके जाएं इसको, और ताकि क्योंकि हमारे जिस तरह के प्लेयर्स हैं खुशदिल और आसिफ अली, तो वो अगर 10-12 रन भी पर ओवर चाहिए हो तो हमें पता है कि वो इजीली वो कर सकते हैं, तो यही प्लान था। सॉरी नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। देखें सिर्फ 2 या 3 इनिंग्स हुई हैं अभी, और 2-3 इनिंग्स में अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते ये तो एक किसी भी प्लेयर्स के साथ ऐसा हो सकता है, और उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं हम तो उसके अराउंड सब हम खेलते हैं, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो कम बैक करेगा और आगे हमारे लिए बड़े मैचेस हैं, और इन द एंड व्हाट मैटर्स हमारे लिए कब जीतना जो है वो मैटर करता है, तो वो जो मैचेस आएंगे तो इंशाल्लाह उसकी फॉर्म भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तगड़ा परफॉर्म करेंगे। फिंगर स्पिनर बहुत कम खेले दिखाई जा रहे हैं आप, बहुत रेयर हो,
तो इंडिया के खिलाफ जब खेलते हो तो जो अच्छे स्पिन के खिलाफ खेलते हैं उसमें ज़्यादा एक मज़ा आता है वो लेने में। देखें जिस तरह से इंडियन टीम के बैट्समैन हैं, मतलब बहुत विराट भाई हो गए, वो लेजेंड हैं, और बाकी भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिन को ओबियसली अच्छा खेलते हैं। तो मेरे लिए ये है कि मैं इनके अगेंस्ट जब अच्छी बॉलिंग करूंगा तो ये मेरे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करूँ। और नो डाउट कि थोड़ा सा आजकल होता है कि फिंगर स्पिनर्स को इतना वो हाइप नहीं मिलती, वो मिस्ट्री स्पिनर्स की तरफ ज़्यादा मतलब लोग देखते हैं। बट ये है कि अगर आप इन दी एंड मैटर परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है, तो फिंगर स्पिनर मेरे लिए यह कि मैं बस बेसिक्स पे अपनी रहूं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूं जो मेरी टीम को ज़रूरत है। जी जिस तरह से उन्होंने मतलब आई थिंक जिस तरह से उन्होंने आज अटैक किया तो ये लग रहा था कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, कि न्यू बॉल के साथ जो है वो लास्ट टू गेम्स में हमें विकेट्स मिल रही थी, तो वो लग रहा था कि वो प्लान के साथ आए और उन्होंने अटैक किया। बट ये था कि जैसे ही वो ओवर्स लगे चार पाँच, तो रिजवान से भी बात हो रही थी, वो यही कह रहा था कि ये जो पिच है ये 200 रन्स वाला पिच है, इधर इतने रन्स होंगे और हम इंशाल्लाह इसको मतलब चेस करेंगे, तो कोई भी मतलब ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर इतने रन्स लग गए हैं हम क्या अच्छा कर सकते हैं इधर, तो वो करने हमने, तो वो हम सब ने वो एक चीज़ का मतलब प्लान बनाया और जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हमने 180 पे, तो आई थिंक इट वॉज़ वेरी गुड, क्योंकि 180 इस पिच पे इतना डिफिकल्ट स्कोर नहीं था जो हमने ऑब्जर्व किया था। विमल कुमार दिस साइड ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने देखा विराट कोहली तो पहले दो मैचेस में भी देखा जो उन्होंने रन बनाए, इससे पहले बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज जिस विराट कोहली को आपने देखा आपको लगता है कि वो एट हिज बेस्ट हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज वो खेले थे फ्लो में और काफ़ी ऑब्वियसली हमारी टीम के अगेंस्ट तो नहीं चाहते हम के रन्स करें, बट उनको हमेशा से मतलब यही रहता है कि हमें कि मतलब वो रन्स करें, और जिस तरह से वो खेलते हैं आई थिंक आज भी वो उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था। नो डाउट फर्स्ट गेम में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट आज तो वो काफ़ी फ्लो में खेल रहे थे और इसी वजह से इंडियन टीम ने जो है 180 स्कोर, जो विराट भाई की इतनी मतलब लॉन्ग वो गेट डेथ तक, तो 180 रन स्कोर उन्होंने किया। Sorry, say again, please. When you were promoted in the batting order, yes, for the run rate, were you feeling some kind of pressure whether you will be able to live up to the expectations of the management or not? I was feeling pressure, but positive pressure that I have to prove myself, not prove, but I have to play well for my team. And when that time it was like 10 runs per over, and I was not feeling that kind of pressure, ke, I mean negative pressure, but yes, I knew that I can do this, and all I had to just focus on my batting and I think execute the skills. Ji Anand, Kapil from Zee News. Generally aajkal do leg spinner khelte nahi hai, 11 mein hote nahi hai, to jab apne dekha ki India ne do teen changes kar diye, do leg spinner rakh diye, to thodi hairani hui, kya sir? एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि वो जो जडेजा जैसे अनफिट हुए हैं तो अक्षर पटेल आएंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, तो एक ऑलराउंडर बीच में स्पिनिंग ऑलराउंडर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दो लेग स्पिनर होंगे, बट ये है कि इन द एंड जब कुछ भी हो सकता है और उसके लिए हम प्रिपेयर थे। लास्ट फोर क्वेश्चन जी, कादिर ख्वाजा, अब्दुल रहमान, नहीं, पहले से तो ये प्लानिंग नहीं थी हमारी। जो फर्स्ट इनिंग जब खत्म हुई है तो उस वक्त ये डिसीजन लिया गया कि मैं जो बैट करके रखूँ, ताकि अगर राइट लेफ्ट होता तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होगा, और ऑब्वियसली जो बाउंड्री थी वो एक साइड से थोड़ी सी बड़ी थी, और एक जब राइट लेफ्ट होता है तो ये है कि फिर आपको दोनों तरफ से चांस होता है कि एक साइड जब बड़ी बाउंड्री आए तो उधर वो मतलब डिफरेंट प्लेयर्स दोनों चांस ले सकते हैं सेम टाइम पे, तो यही प्लान था और
ये प्लानिंग भी जो हुई थी वो एक इनिंग के बाद हुई थी। हमारे तीन बड़े फास्ट बॉलर जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या वजूहत क्या है कि इतनी आप दूसरे तीसरे दिन खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, क्या वजह है? आई थिंक वो इसकी कोई वजह ऐसी नहीं है। आपको पता है जितनी गर्मी है इस मतलब इस गर्मी में और फास्ट बॉलर्स हमारे जैसे हैं इतने मतलब 145 प्लस और ऑब्वियसली 145 प्लस जो बॉल है वो ऐसे तो होती नहीं, उस पर जोर लगता है काफ़ी, और जिस तरह से हम कंटिन्यू क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं तो ऐसी ऐसे वेदर में हो जाता है, ऐसा डिहाइड्रेट हो जाता है तो मसल पुल हो जाता है, बट ऐसा कोई मतलब मेजर इशूज़ जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, पीटीवी न्यूज़ से सजाद नवाज, आप समझते हैं कि फील्डिंग पे तवज्जो कितनी ज़रूरत है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मिस फील्ड देखने को मिली? बहुत ज़्यादा तो मिस फील्ड आज नहीं हुई, ओबियसली जितने भी कैचेस आए हमने वो कैचेस अवेल किए हैं, ग्रैब किए हैं उसको, नो डाउट एंड में जो इनिंग के एंड में एक या दो लैप्स हुए हैं तो वो हो जाता है नो डाउट, बट ये है कि जितने भी आज कैचेस आए हैं और ग्राउंड फील्डिंग जितनी भी थी हमने बहुत अच्छी की आज, तो हम उस पर भी एज ए प्रोफेशनल ओबियसली हम फोकस करते हैं, हर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करें। थैंक यू।